भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट। जलगांव शहर मेरुन में कोरोना वायरस का मरीज मिलने पर जलगांव शहर में हड़कंप मच गई थी। वही आज मेरुन के पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया है, तो आज तांबापुर परिसर में कुछ लोगों ने सफाई कर पूरे परिसर को साफ किया। कल जो पेशेंट मिला है उसके कांटेक्ट में जो आए हैं कुल 18 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। मेरुन को सील कर दिया गया है। जलगांव से साहिर तेली की रिपोर्ट, बीके टाइम्स न्यूज लाइव के लिए। हमारे साथ बने रहे, अपने शहर व परिसर को साफ रखे, वो कोरोना वायरस से बचे। धन्यवाद। पूरे टीपू उल्टान चौक में स्वच्छता कर रहे हैं और सभी से गुजारिश है कि अपने अपने मोहल्ले इलाके स्वच्छता करें। हम तामापुर के पुकटपुरे इलाके के अंदर है और यहाँ पर सब तरह की नाकाबंदी हो चुकी है और आप देखने में आ रहा है कि सब जगहों का रास्ता बंद हो चुका है। हमारे यहाँ के मेन ट्रस्टी साहब शावलिया मस्जिद के शरीफ शाह बापू, देखो आपसे क्या कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ पर जब से ये कोरोना वायरस के ताल्लुक से कलेक्टर साहब ने मीटिंग लेकर जो बोले हुए हैं उसके मुताबिक हमारे महल्ले के अंदर हम पूरे तरीके से अपनी जिम्मेदारी से एक इंसानियत के एतबार से इसका केयर लेकर के काम कर रहे हैं। और जैसे ही मेरुन का मालूम पड़ा तो आज से हमने पूरे महल्ले के अंदर ये तरकीब बना दी कि बाहर के महल्ले के किसी भी इंसान को आने न दे, अगर आते हैं तो उनको प्यार मोहब्बत से रोक करके वापस कर दें। जगह जगहों पे हमने नाकाबंदी जैसा कर दिए और जो बाहर गांव से अगर आते हैं, पुणे से, सूरत से, बम्बई से या किसी भी दूसरे शहर से आते हैं तो हम उन लोगों को भी सिविल हॉस्पिटल में पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ डिपार्टमेंट से भी कॉन्टेक्ट में रह करके बात करते रह रहे हैं कि भला इंसान बम्बई से आया है या पुणे से आया है। तो उसके मुताबिक हमारे महल्ले के अंदर अपनी जिम्मेदारी पर नौजवान लोग सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह अज़्ज़वजल इस एहतियात की वजह से अल्लाह ने चाहा तो हमारे महल्ले पे इंशाल्लाह अज़्ज़वजल ये वबा का आना नहीं होगा। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं और हर एक से यही गुजारिश करते हैं कि अपनी जिम्मेदारी समझ करके अपने अपने इलाकों के अंदर काम करें, पुलिस डिपार्टमेंट का साथ दे, शासन का साथ दे और अपने जिस तरीके से हमारे असलाफ ने हमें तालीम दी उसका मुजाहिरा करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तामापुर के आवाम के लिए क्या बोलना, मैसेज देना चाहते हैं आप? तामापुर की आवाम को यही कहेंगे कि आपको अभी किराना दुकान, दूध का लेने के लिए, मेडिकल और दवा खाने के लिए जो शासन की तरफ से छूट है इसका फ़ायदा उठाते हुए सिर्फ ये कि अगर वाकई में आपकी तबीयत ख़राब है तो दवा खाने पे जाए, मेडिकल की अगर चिट्ठियाँ लिखी हुई है तो मेडिकल पर जाए, अगर आपके घर में कुछ किराने की चीज़ें नहीं हैं तो आप अकेले मुंह पे कपड़ा बांध करके आए, गर्दी ना करें और बिला वजह घूमने के लिए मेडिकल और दवा खाने का नाम लेकर के अपने आप को हलाकत और बर्बादी में ना डालें। ये महल्ले के सभी लोगों से हमारी गुजारिश है। और ये महल्ले के होते हुए जिम्मेदार इनने एक अच्छी सलाह दी और ये तामापुर का देखिए सब जगह नाकाबंदी हो चुकी है और अपने अपने मोहल्ले को लोगों ने सुरक्षित कर लिया है। और यहाँ पर मस्जिद के जो ट्रस्टी है इनने नहीं के सब तरीके से नहीं के नाकाबंदी कर दी है। देखो